क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के अंतर्गत काल। काल में हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान काल के भेद या प्रकार। पहले हम देखेंगे वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल जो समय चल रहा हो, यानी क्रिया का वह रूप जो अभी अभी हो रहा हो, कार्य की निरंतरता हो रही हो, उसी को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? वर्तमान काल के अंतर्गत। कार्य जो निरंतर चलता रहता है उसी को हम वर्तमान काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद या प्रकार हिंदी के अंतर्गत वर्तमान काल के कुल 5 भेद या प्रकार बताए जाते हैं, जिनका अध्ययन अब हम करेंगे यहाँ पे। पहला है सामान्य वर्तमान काल। पहला भेद है वर्तमान काल का सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। और पांचवा नंबर है संभाव्य वर्तमान काल। अब एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल वह होता है जिसमें क्रिया जो है वर्तमान समय में ही सामान्य रूप से पूरी हो जाती है। सामान्य रूप से क्रिया वर्तमान काल में हो रही हो, उसी को हम सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे मैं खाता हूँ। यहाँ खाने की क्रिया वर्तमान काल में सामान्य रूप से हो रही है, इसीलिए इसे वर्तमान काल के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। दूसरा है रीना लिख रही है। वर्तमान समय में रीना के द्वारा लिखने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए ये किसमें आएगा? सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, दूसरा वर्तमान काल का दूसरा भेद है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक, जैसा कि इसके शब्द के अर्थ से ही पता चलता है, तात्कालिक मतलब तत्काल, यानी अभी अभी। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य अभी अभी हो रहा है, यानी अभी अभी हुआ ही है। तुरंत वर्तमान काल में अभी अभी कार्य जब होता है तो उसे तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, जैसे राम जा रहा है, यहाँ राम के द्वारा जाने का कार्य अभी अभी हो रहा है, तत्काल हो रहा है। राम जा रहा है क्रिया का वह रूप जो तत्काल हो, कोई भी कार्य जो तत्काल हो वर्तमान समय में, उसे तात्कालिक वर्तमान काल में पढ़ते हैं। इसमें उदाहरण भी हमने देखा, एक राम जा रहा है, राम के द्वारा जाने का कार्य अभी अभी हो रहा है, इसीलिए इसको हम वर्तमान काल में तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है मैं पढ़ रहा हूँ। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ने का कार्य अभी अभी हो रहा है, तत्काल हो रहा है, इसीलिए इसको तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला भेद है वर्तमान काल का तीसरा नंबर है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया पूर्ण रूप से हो जाए वर्तमान काल में। पूर्ण का अर्थ ही होता है पूरी हो जाए कोई भी क्रिया, पूर्ण वर्तमान काल उसे कहेंगे। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया जो है वर्तमान समय में ही पूरी हो गई, अर्थात कार्य वर्तमान समय में पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो, तो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसका भी हम उदाहरण देखेंगे, उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। जैसे गीता ने रोटी खाई है, इससे पता चल रहा है कि पूर्ण रूप से गीता ने रोटी खा ली है, वर्तमान काल में ही गीता के द्वारा रोटी को खा लिया गया है, और मोहन ने पुस्तक पढ़ी है, ये भी पूर्ण वर्तमान काल का ही उदाहरण है। आगे हम लोग अगला नंबर पढ़ेंगे, चौथा नंबर है संदिग्ध वर्तमान काल। इसके भी नाम से ही इसका अर्थ प्रतीत हो जाता है। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह बना रहे कि क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे कि क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के या कार्य के होने में, वर्तमान काल में कार्य या क्रिया के होने में संदेह बना रहे कि क्रिया हो रही होगी कि नहीं होगी वर्तमान समय में, संदेह बना रहे जिसमें, उसको हम संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे श्याम घर जाता होगा, अब जाता होगा कि नहीं जाता होगा वर्तमान समय में, इसमें क्या है? संदेह है।
राम खाता होगा, खाता होगा कि नहीं खाता होगा वर्तमान समय में, इसमें संदेह है, इसीलिए इसको हम संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत रखते हैं या पढ़ते हैं। अंतिम भेद पढ़ेंगे हम लोग वर्तमान काल का। वर्तमान काल के 5 भेद थे जिनमें हमने 4 को पढ़ लिया। एकदम लास्ट और अंतिम भेद है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, इसके भी नाम से इसका अर्थ प्रतीत होता है, संभाव्य मतलब संभावना व्यक्त की जाए। संभाव्य का अर्थ होता है संभावना व्यक्त की जाए। किसकी संभावना व्यक्त की जाए? क्रिया की या कार्य की। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य की वर्तमान समय में होने की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए कि कार्य वर्तमान समय में होगा कि नहीं होगा। ऐसी संभावना जब व्यक्त की जाती है तो उसको हम संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे वह आया हो, ऐसी संभावना की जा रही है कि वह शायद वह आया हो, ऐसे वह आया हो उदाहरण पढ़ने से पता चलता है कि शायद वह आया हो, वर्तमान समय में आया हो कि नहीं आया हो, इसकी संभावना की जा रही है कि वह आया हो, वे गए हों, ये ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, इसीलिए इसको हम संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। थैंक यू क्लासेस।